हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत जो आपका NWR जयपुर के तरफ से एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन आया था। फाइनली काफ़ी छात्रों का क्वेरी आ रहा था लगातार कि इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट कब तक आएगा। तो फाइनली रेलवे की तरफ से NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर का ऑफिशियली अपडेट जो है देखने को मिला और काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पर रेलवे की तरफ से अपडेट जारी किया गया। तो चलिए इसके रिगार्डिंग ऑफिशियली लेटर आ गया है, ऑफिशियल नोटिस आ गया है। तो जितने भी छात्र NWR भर्ती का वेट कर रहे थे फाइनली इसका, तो चलिए रेलवे की तरफ से इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो रिलीज कर दिया गया। बाकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल-पल की अपडेट के लिए। और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF मेरिट के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए साथियों, फाइनली हम आ गए हैं NWR के तरफ से जो ऑफिशियली रेलवे ने यहाँ पे अपडेट दिया है, लेटर जारी किया, उस ऑफिशियली लेटर पे आ गए हैं। ये बाय पोस्ट रजिस्टर्ड के थ्रू सभी कैंडिडेट को भेजा जा रहा है। और अगर बात करें तो ये कहाँ से निकल के आ रहा, उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से आ रहा, जो एक अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन आया था 23-24 सेशन में, ठीक है। उसमें अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका देखिए मंडल कार्यालय अजमेर, यह आपका अजमेर की तरफ से अपडेट देखने को मिल रहा है, जो आपका 13 अगस्त 2024 के डेट में रिलीज किया गया है। विषय के बारे में बात करेंगे तो शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षु को रेलवे में अप्रेंटिस प्रशिक्षण बाबत यांत्रिक विभाग अजमेर मंडल। तो ये आपका जो अपडेट है वो आपका अजमेर मंडल की तरफ से, अजमेर डिवीजन की तरफ से निकलकर आ रही है, ठीक है। 23-24 सेशन के रिगार्डिंग जो अप्रेंटिसशिप आई थी उसको लेकर आगे बढ़ किया जाएगा। इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा कि प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत अप्रेंटिस प्रशिक्षु हेतु प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए उक्त संदर्भित विज्ञापन संख्या 1/2024 NWR एक्ट के माध्यम से RRC जयपुर के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अजमेर मंडल पर अधिसूचित स्टॉल के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों में मेरिट के अनुसार 1.5 गुना, मतलब देखिए डेढ़ गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। दस्तावेज सत्यापन के लिए पेपर स्क्रीनिंग हेतु बुलाए गए थे। इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र संख्या 7/8/2024 के द्वारा दस्तावेज सत्यापन पेपर स्क्रीनिंग में उपलब्ध अभ्यर्थी में से प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थी हेतु पैनल जारी किया गया है, जिसमें आपका विद्युत विभाग मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पर हुआ है ट्रेड कोचिंग में 1 वर्ष अवधि के लिए प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाया गया है। आगे अगर बात करेंगे तो इसमें आपको बोला जा रहा प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण के लिए आप पर निम्नलिखित शर्तें लागू होगी। अगला पॉइंट देखते हैं तो इसमें बोला गया है कि 10वीं कक्षा के अंक तालिका जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, केंद्र का जाति प्रमाण पत्र, ITI अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक्टिव बैंक खाता जिसमें आधार कार्ड लिंक हो की स्वयं सत्यापित 2 प्रतियां एवं 8 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सभी चीज़ों को लेकर आपको 3 सितंबर को सुबह 10 बजे रिपोर्ट कर देना है मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अजमेर में, आपको रिपोर्ट कर देना है अपने ज्वाइनिंग को लेकर, ठीक है। बाकी इसमें यहाँ पे अदर चीज़ों को बताया गया है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। नॉर्मल चीज़ें हैं कि अगर आप 18 साल से कम है तो उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। इसके बाद रेलवे का जो भी सामान होगा उसको अपने सामान के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको देख रेख करना पड़ेगा। आने जाने का कोई भी सुविधा नहीं दिया जाएगा, रहने खाने पीने का बंदोबस्त आपको खुद करना पड़ेगा। ये सब सारा कुछ बताया गया है कि आपको जब यहाँ पे मंथली आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब मंथली आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, वही सब सारा कुछ आपको बताया गया है। मास्टर डेटा फॉर्म आपको भर कर लेके जाना होगा, जो आपको यहाँ पे जब ये लेटर आया होगा तो उसी लेटर में आपको दिया गया हो। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो ऑफिशियल पोर्टल है मतलब apprenticeshipindia.gov.in पर आपको यहाँ पर लॉग इन करना है और यहाँ पर आपको अप्लाई भी करना है। कौन सा कहाँ पर अप्लाई करना है तो DRM ऑफिस अजमेर में आपको वहाँ पर अप्लाई कर देना है लॉग अपॉर्चुनिटी वाले सेक्शन में जाकर, और आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट होना चाहिए। अगर 100% आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा तो आपका ज्वाइनिंग का प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कराया जाएगा। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। और मास्टर डेटा का जो फॉर्म है वो भी आपको इसी लेटर के साथ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपका सहायक कार्मिक अधिकारी कृति मंड रेल प्रबंधक अजमेर की तरफ से ये जो अपडेट है देखने को मिल रहा है। तो देखिए साथियों, धीरे धीरे करके रेलवे के सभी विभाग से अपडेट आ रहे हैं। बहुत सारे साथी ईस्टर्न रेलवे को लेकर परेशान है तो ईस्टर्न रेलवे वाला भी आ जाएगा साथी, थोड़ा वेट करिए। बाकी अभी
सेंट्रल रेलवे का लास्ट डेट खत्म हो गया है, अभी आपका WCR का फॉर्म भरा रहा और नॉर्दर्न रेलवे का नया अप्रेंटिस आया है उसका फॉर्म भरा रहा, ठीक है। अगर ये दोनों को अगर आप आपस में जोड़ के देखोगे तो यहाँ पे आपका लगभग जो है यहाँ पे 6200 के आसपास यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन चल रहा, फॉर्म भरा रहा। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, आप रेलवे अप्रेंटिस करने के लिए इच्छुक हैं तो जरूर जरूर आवेदन करिएगा ताकि कट ऑफ कम जाए और आपका सिलेक्शन यहाँ पे आसानी से हो जाए। बाकी अगर इसी रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।